एक जाम को लेकर सड़क रहा घंटों जाम, इसकी निजात के लिए ट्रैफिक डीएसपी खुद उतरे सड़कों पर। दरभंगा जिला के आयकर चौक पर आज 12 बजे से लगातार 2:30 बजे तक लगभग सड़क रहा जाम। इसी बीच दरभंगा की सड़क आयकर चौक पर यातायात के डीएसपी खुद सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने का हर संभव प्रयास करते रहे। इसके बाद भी 2 से 2.5 घंटा आयकर चौक, मिर्जापुर चौक, नाका 5 और शहर का अन्य चौक पर यातायात व्यवस्था रेंगता दिखा। जिला प्रशासन की लाख प्रयास के बाद भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा रहा, फिर भी लगभग 2.5 घंटा तक यातायात व्यवस्था रेंगता दिखा। बीएड का परीक्षा था और शहर में 21 जगह सेंटर था, जिस कारण गाड़ियों की संख्या खासकर फोर व्हीलर की संख्या बहुत ज़्यादा था, जहाँ तहाँ लोग गाड़ी पार्किंग कर रखे थे। और जब परीक्षा समाप्त हुआ तो जैसे तैसे लोग गाड़ी को निकाल कर चलने लगे। इस क्रम में इनकम टैक्स चौराहा पर 2 चौक हो जाता है, वहाँ पर के दुकानदार के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और बाइक को मुख्य रूप से सड़क पर ही लगवाया जाता है दुकानदारों के द्वारा, जिसके कारण जाम की समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा। और मैं भी कुछ देर जाम रहा, वहाँ पर भी दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, खासकर स्पेयर पार्ट्स के दुकानदारों के द्वारा वहीं पर गाड़ी लगाकर गाड़ी को ठीक भी किया जाता है और गाड़ी में नया सामान भी लगाया जाता है। हम नगर निगम से बात कर रहे हैं, उनके सहयोग से जब तक वो अतिक्रमण हटता नहीं है तब तक सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ पाएगी। मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि पंकज कुमार पिता कमलेश कुमार महतो ग्राम माधोपुर पोस्ट बनौनी थाना सिमरी जिला दरभंगा का स्थायी निवासी है, जो आयकर चौक स्थित संवेदना हॉस्पिटल वंदना कुमारी के पास दिनांक 3 अगस्त 2021 को इलाज के सिलसिले में पहुंचे थे। जैसे ही पंकज कुमार हॉस्पिटल में गए हैं और वापस घंटे के बाद लौटे तो मालूम चला कि उनका गाड़ी स्थायी जगह पर नहीं लगा हुआ है। खोजबीन करने के बाद हॉस्पिटल के गार्ड के द्वारा बीच खोजा गया, अगल बगल सारा जगह मगर नहीं मिला। उसके बाद हॉस्पिटल के कैमरे और बगल की दुकान के कैमरे ने उस मोटरसाइकिल चोर गाड़ी का ताला तोड़ते हुए नजर आए हैं और गाड़ी लेकर भाग गया, जिसका आवेदन नगर थाना में दिया गया है। हमारी लड़की संवेदना हॉस्पिटल में भर्ती थी और 3 तारीख की बात है, 3 तारीख की घटना है। मैं जब कौन तीन आठ अच्छा, और जब मैं ऊपर गया अपने लड़की से भेंट करने, वहाँ कुछ देर रुका आधा पौन घंटा, उसके बाद जब मैं नीचे आया उस वक्त तो वहाँ गाड़ी नहीं थी। मैंने गार्ड से बात किया तो गार्ड भी देखे, सब कुछ देखे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो फिर जाके हम लोग सीसीटीवी फुटेज में देखें वहाँ पर भी और बगल में भी, तो उसमें स्पष्ट दिख रहा था। किनके सीसीटीवी कैमरा में आप देखे? वही संवेदना हॉस्पिटल और एक बगल में फर्नीचर विलेन, वहीं पर दोनों में हम देखे कि गाड़ी वो चाबी लगा के तोड़ रहा है, तोड़ के जब उसको लॉक टूट गया या खुल गया तो फिर वो गाड़ी लेके चला गया। एस कुमार महतो। आज AISEF ने 86वां स्थापना दिवस झंडोत्तोलन कर मनाया। झंडोत्तोलन संगठन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने किया। झंडोत्तोलन के उपरांत संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने कहा कि AISEF की स्थापना 12-13 अगस्त 1936 को गंगा मेमोरियल हॉल लखनऊ में देश के स्वाधीनता सेनानियों एवं छात्रों के संयुक्त प्रयास पर इस संगठन का गठन हुआ। संगठन के गठन के बाद देश के स्वाधीनता आंदोलन में AISEF के कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत व संघर्ष को तेज कर देश को आजादी के मुकाम तक पहुंचाया। आज इस संगठन को देश का सबसे पुराना और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है। देश की आजादी के बाद संगठन ने पढ़ाई और लड़ाई के नारों के साथ सबको समान शिक्षा दिलाने के लिए, सबके बेहतर भविष्य के लिए, रोजगार और समाज में जो गैर बराबरी है उसको समाप्त कराने के लिए लगातार संघर्षरत रहे। आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि देश के 60 वर्षों की स्वाधीनता के बाद शिक्षा अधिकार कानून देश में लागू हो पाया और बिहार में छात्रा और SC/ST वर्ग के छात्राओं को निःशुल्क PG तक की शिक्षा सुलभ हो पाई। कोतवाली थाना के द्वारा एक विक्षिप्त महिला और उनके बच्चों को घर सुरक्षित पहुंचाया गया। दरभंगा जिला का नगर थाना कोतवाली OP द्वारा आज एक विक्षिप्त महिलाओं को उनके बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि कल पावर हाउस मुगलपुरा के समीप यह महिला अपने बच्चों के साथ यातायात व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रही थी।
इसी बीच सूचना पाकर बस्तीदाल महिला थाना ले गई, जिसके बाद उसे पुनः महिला हेल्पलाइन को सौंप दिया गया और आज महिला हेल्पलाइन इसे कोतवाली ओपी लाकर छोड़ा, जिसके बाद इस महिलाओं का सूत्रों के द्वारा निवास स्थान की जानकारी प्राप्त कर महिला संजू देवी को उनके घर मोहल्ला लाल बाग राजेंद्र भवन के समीप नगर थाना के अंतर्गत सी रेखा कुमारी द्वारा पहुंचाया गया। जब रेखा कुमारी संजू देवी को लेकर संजू देवी के निवास स्थान पर पहुंची, उस समय संजू देवी के ससुर ज्ञानी सिंह मौजूद थे। सी रेखा कुमारी संजू देवी को ज्ञानी सिंह को सौंप दिया। उपरोक्त जानकारी कोतवाली ओपी थाना प्रभारी अमरनाथ प्रसाद ने दिया। गश्ती दल की टीम ने वहां पर जाकर के देखा तो महिला जिसके गोद में 4 साल की बच्ची थी वो कुछ विचित्र लग रही थी, जिसे महिला के सहयोग से उसे महिला थाना पहुंचाया गया। वहां से उसे आज 8-9 बजे के करीब महिला हेल्पलाइन में लाया गया। वहां से फिर से घर द्वार का पता करने पर इनका घर लाल बाग भगवान दस मोहल्ला में उनका उनके पति का नाम राजू राय है, उनके ससुर का नाम ज्ञानी सिंह है, ये भगवान दस मोहल्ले के रहने वाले ये इसने सब सब इन्हें पहुँचा। बड़े धूमधाम से मनाया गया शहर से लेकर गांव तक नागपंचमी की पूजा। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए भक्तों ने बताया कि हम लोग यह पूजा नागपंचमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम लोग नाग भगवान को दूध लावा चढ़ाते हैं और जो मन में अच्छा होता है वह नाग भगवान से मानते हैं और पूरा भी होता है। यह हिंदुओं का पर्व है। यह पर्व हर साल सावन के महीने में ही होता है। नागपंचमी है, इस वर्षों से नाग बाबा का आराधना किया जाता है, उनका मनोकामना पूरा होता है। ये नाग बाबा प्रसिद्ध है। महत्व क्या है इसका? जैसे कि नाग का महत्व है कि आज दूध लावा नेबो प्रसाद चढ़ते हैं, उससे उनका मनोकामना पूरा होता है। 100 साल से ऊपर हो गया मना। जल जमाव की समस्या को लेकर चंदनपट्टी मुख्य सड़क को किया गया जाम। चंदनपट्टी मुख्य सड़क को किया गया जाम जल जमाव की समस्या को लेकर। कई वर्षों से चंदनपट्टी के लोग जल जमाव की समस्याओं को लेकर के चिंतित है। कभी कभी घर के आंगन में आसपास में सांप दिख जाता था और कुछ दिनों पहले एक बच्चे को सांप ने काट लिया, जिसका इंतजार में लोगों ने किया जा रहा है। अकबर रजा साहब ने यह पत्रकारों को बताया। साथिया को बता दे, इन्हें कई वर्षों से आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। वीडियो को आश्वासन देते हैं और समस्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। चंदनपट्टी के लोग भाकपा माले के बैनर के तले मुख्य सड़क इसी कारणवश जाम कर दिया और उनकी मांग है जब तक वर्तमान जिला अधिकारी डॉक्टर SM त्यागराजन नहीं आते हैं हम लोग रास्ता खाली नहीं करेंगे, हम लोग जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अवस्थित मंथन सभागार में एक संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता श्री आलोक अग्रवाल मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर द्वारा किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि श्री SK प्रसाद प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी हाजीपुर थे। चर्चा का विषय के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। सेमिनार में विभिन्न स्टेशनों से स्टेशन मास्टर कर्मचारी गार्ड इत्यादि लोग मौजूद थे। सेमिनार में मंडल रेल प्रबंधक अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न वक्ताओं में सेंटेन के दौरान होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए निर्धारित नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अवस्थित माधोपुर बसतवाड़ा पंचायत के माधोपुर गांव के लगभग 30 परिवार लोगों को आवागमन में हो रही है कठिनाई। वहीं हमारी संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले लंबे समय से बीच सड़क पर गोबर रखने से लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने के कारण बगल के तालाब में पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन करने पर पानी के अंदर फिसलने का डर बना रहता है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध करने पर लोगों को डराया एवं धमकाया जाता है। वहीं इस विषय को लेकर सिमली थाने में सिन्हा भी दर्ज कराने का काम किया गया है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए आन टाइम में तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब बारिश का समय आता है तो दोनों तरफ गोबर रख दिया जाता है। अभी तो एक ही तरफ है, लेकिन दोनों तरफ गोबर रहता है, जिसके कारण बारिश के कारण वो फैल जाता है पूरा। आने जाने वाले को बहुत परेशानी होता है और कितना बच्चा तो उसमें गिर भी जाता है, लेकिन क्या करें। अगर कह दे तो पूरा एकता होकर के मोमेंट बना करके झगड़ा कर। क्या नाम है आपका? मुन्ना पंडित। यही मेरा है, सब चले जाए है, जे माने रात बिरात चले है तो इसमें गिरे पड़े के डर रहे। यह सब देखे गोबर घर तो से के जते लड़ाई बीर कर देवी।